तो जैसा कि सर्दियां शुरू हो गई हैं और आप ये वाला अचार ना बनाएं और ना खाएं तो सर्दियों का मज़ा थोड़ी ना आएगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी, गाजर और मटर का बहुत ही टेस्टी वाला अचार। तो गोभी को धुल लेना है और गाजर को भी धुल लेना है और मटर को भी छील लेना है। धुल के छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके उसे अच्छी तरीके से धूप में सुखा देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो कुछ इसी तरीके से सुखाना है। जब ये सूख जाएगा तो हम इसे धूप से उठा लाएंगे और फिर गैस ऑन करेंगे और शुद्ध सरसों का तेल डालेंगे एक छोटी कटोरी, और फिर हम तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। तेल अच्छी तरीके से गर्म होगा ना तो हमें अचार को धूप में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमें तेल को अच्छी तरीके से पकाना है और जब हमारा तेल अच्छी तरीके से पक जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग, करीब एक चम्मच के। फिर हम डालेंगे इसमें मेथी दाना और मंगरैल जो मैंने पीस के डाल दिया है, और अच्छी तरीके से इसे पका लेंगे। जब हमारा मेथी दाना और मंगरेल पिसा हुआ है फिर भी हमें इसे अच्छी तरीके से ही पकाना है। जब ये पक जाएगा तब हम छोटी वाली सौंफ इसमें ऐड करेंगे और फिर हम लेंगे मसाले। तो मसाले में जाएगा नमक, हल्दी, धनिया और मिर्ची पाउडर। बस अब क्या करना है, हमें मसाले को अच्छी तरीके से पका लेना है। जब हमारा मसाला पका होगा अच्छी तरीके से तब मसाला जो है ना कच्चापन नहीं आएगा, और सबसे बड़ी बात धूप में हमें इसे बिल्कुल भी सुखाना नहीं पड़ेगा अचार को। बस अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है क्योंकि मसाला अच्छी तरीके से पक गया है, और मैंने इसमें ना गाजर, मटर और गोभी ऐड कर दिया है। और अब मैं ऐड कर रही हूँ गन्ने वाला सिरका। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगता है सिरका ऐड करने से। तो उससे पहले मैं डालूँगी इसमें नींबू का रस, और सबसे पहले हम अचार में जो अचार है उसमें मिला लेंगे मसाले को अच्छी तरीके से। फिर नींबू का रस डालेंगे एक कटोरी, छोटी वाली कटोरी से, और करीबन आधा लीटर हम डाल देंगे इसमें सिरका, क्योंकि इसमें तेल की मात्रा कम है और अचार बहुत ही ज़्यादा है तो हम सिरका की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। गन्ने वाले सिरके में थोड़ा सा खटास कम होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो बस जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे डब्बे में भर लेंगे और हमारा अचार रेडी हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।